आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे मैं कुकर में बनाऊंगी, इसीलिए ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने कुकर लिया है। इसमें मैं 3 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। अब मैं इसमें साबुत मसाले डालूँगी, 2 तेज पत्ता, 10 साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 पीस फूल चकरी, ये ऑप्शनल है, 4 से 5 छोटी इलायची, 2 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टुकड़ा जावित्री, 1/2 टीस्पून साम जीरा। इन सबको कुछ समय के लिए सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 किलो क्लीन किया हुआ मटन ऐड कर रही हूँ। इसे हम 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। जब तक मटन भून रहा है, तब तक हम अपने मसाले रेडी कर लेंगे। यहाँ मैं 1 कप फेटी हुई दही ले रही हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, इन सबको अच्छे से दही में मिला लूँगी। मैंने दही के साथ मसाले डाले हैं ताकि मसाले जले ना। 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें दही मिक्सचर को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हमें 5 मिनट फिर से भून लूँगी। इसे मैं अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुकर का लीड बंद कर दूँगी और हाई फ्लेम में 1 विसल दूँगी और मीडियम फ्लेम में 5 विसल, ताकि मटन पक जाए अच्छे से। जब तक मटन पक रहे हैं, तब तक हम 2 बड़े प्याज स्लाइस करके ब्राउन फ्राई कर लेंगे और इसे ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। 6 विसल हो चुका है। इसमें मैं ऑनियन पेस्ट ऐड करके मिक्स कर लूंगी और इसे मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। कोरमे की ग्रेवी थोड़ी थिक होती है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड करूंगी और इसे हम फिर से कवर करके 5 मिनट पका लेंगे, जिससे केवड़ा का स्मेल ग्रेवी में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट हो चुका है और हमारा मटन कोरमा रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम गर्मा गर्म रोटी, नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।